नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमएससी स्टडीज फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू, थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6। एक्सटर्नल एग्जाम का कल लास्ट पेपर है, यानी कि 24 अप्रैल को। मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2021 में 18 अक्टूबर के दिन फर्स्ट ईयर बीकॉम की जो शुरुआत है वो हुई थी, और कल ये शुरुआत का जो अंत है वो होने वाला है, क्योंकि कल आपका लास्ट पेपर है ग्रेजुएशन का। मैं आपको बता दूं, इन 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो काम थे और जो भी आंदोलन थे ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए किए हैं। आप सभी विद्यार्थी मित्रों में से कितने ही सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे ग्रुप का हिस्सा भी बने और हमारे संगठन के साथ जुड़े। आने वाले समय में आप कहीं भी हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई करो या फिर अदर्स किसी भी प्लेस पर हो, लेकिन कभी भी कुछ काम हो तो आप लोग मुझे याद कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। कल के पेपर के लिए मैं आप सभी को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो बता दूँ, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कल का जो लास्ट ऑप्शनल पेपर है उन सभी पेपर के लिए, तो आप सभी लोग राइट डाउन करें। और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन का ये लास्ट बार का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है शायद आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग राइट डाउन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट की जो कल है। तो रूरल डेवलपमेंट में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर 1, मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द ह्यूमन कैपिटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये 3 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज, क्वेश्चन नंबर 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 3 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लास्ट यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक नीड्स ऑफ रूरल, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये यूनिट नंबर 4 में से थे। तो ये रूरल डेवलपमेंट मॉडल सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो मैंने आपको शेयर किया। नेक्स्ट का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फिनांस। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक ही क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में से। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 2 सस्टेनेबल एनर्जी, एंड लास्ट रिफॉर्म्स इन टेलीकम्युनिकेशन। ये यूनिट 3 के 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। लास्ट यूनिट नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 रिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फिनेंस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद का जो सब्जेक्ट है मैं आप सभी को बता दूँ स्टैटिस्टिक्स फॉर मार्केट एनालिसिस, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स फॉर मार्केट एनालिसिस यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मार्केटिंग, एक ही क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 2 गुड क्वेश्चनरी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज, ये यूनिट नंबर 2 में से जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस, ये 2 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 3 के अंदर से। तो ये आपको करना रहेगा। यूनिट नंबर 4 में प्रोजेक्ट वर्क है, वो आपको आपके टीचर से बात करके जो प्रोजेक्ट वर्क है वो उस पर आपको वर्क करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स फॉर मार्केटिंग एनालिसिस के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो कि ड्रामा है और 2 ऑथर के नाम है, उसमें से एक ऑथर है कोटवाल, उसकी जो ड्रामा की जो पोएट्री है वो आपको पढ़नी रहेगी या फिर जो भी हिस्ट्री होगी वो आपको देखना रहेगा। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में एनिमल फार्म करके एक टॉपिक दिया हुआ है वो आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में मैं बात करूँगा यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 पूरा पोएट्री है, तो जिसके अंदर द नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
ये है एक है। उसके बाद में वेयर द माइंड इज विथाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर, वो आपको करना रहेगा। फिर द टाइगर, विलियम ब्लैक। उसके बाद द प्रोफेसर नसीम एस्किल, ये आपको करना रहेगा यूनिट थ्री में। बात करेंगे हम यूनिट नंबर फोर, तो यूनिट नंबर फोर में पोएट्री, बॉलेड, उसके बाद में नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और कैरेक्टर, ये आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये थे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट्स। तो इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेशनल इंश्योरेंस अंडर राइटिंग, ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर वन में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर टू में क्वेश्चन नंबर वन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999। नेक्स्ट यूनिट नंबर थ्री, तो यूनिट नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर वन, प्रीमियम कैलकुलेशन एंड सरेंडर वैल्यू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसीज, ये आपको करना रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर फोर, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सेकेंड क्वेश्चन है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सब्जेक्ट के थे। तो मैंने आप सभी को ये जितने ही ऑप्शन सब्जेक्ट थे उसके प्रैक्टिस जो क्वेश्चन थे वो मैंने शेयर किए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट फाइव ईयर एक्सटर्नल एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर है और रेगुलर लेक्चर्स में टीचर्स के द्वारा जो स्टडी कराया गया उसके बेसिस पर है। कल आप सभी का लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर देने के बाद बन सके तो आप सभी लोग मेन बिल्डिंग पर आना, वहाँ पर जो फोटो सेशन है वो हम करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। और कल के पेपर के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट।